आपका बहुत स्वागत है। न्यूज अपडेट आप लगातार देख रहे हैं और आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत देवेंद्र यादव विधायक हैं कांग्रेस के, जो आजकल न्यायिक हिरासत में हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 17 अगस्त की, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और अब खबर ये है कि अब उन्हें 7 दिन और न्यायिक हिरासत में रहना होगा। उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है 7 दिनों की। और खबर ये भी है कि कांग्रेस इसको लेकर लगातार विरोध कर रही है, कांग्रेस अपना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, लेकिन देवेंद्र यादव की मुश्किलें फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 3 दिन की पहले रिमांड जो न्यायिक हिरासत थी वो मिली थी, और उसके बाद आज जब उन्हें पेश किया गया तो ये फैसला आया कि अगले 7 दिन और वो न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। देवेंद्र यादव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस 24 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन की तैयारी के संबंध में आज राजीव भवन में कांग्रेस के मुख्यालय में विधायकों की बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक पर ये कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान तमाम विधायकों को निर्देशित किया गया कि वो अलग अलग जिलों में इस बात को लेकर प्रदर्शन करें। चरणदास मैन ने मीडिया ब्रीफिंग की, मीडिया से बातचीत की और विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि हम प्रदर्शन के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे देवेंद्र यादव के लिए। मुलाकात भी हुई देवेंद्र यादव, देखिए कैसे हैं वो, क्या बता रहे हैं? देवेंद्र यादव जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके खिलाफ कोई गलत बातें नहीं हुई हैं, मगर वो सिर्फ इस बात से चिंता कर रहे हैं कि जब एक विधायक को बिना नोटिस दिए इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, पूरे प्रदेश के विधायक यहाँ आए हुए हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाएगा, तो ये सरकार चाहती क्या है, उस बात से वो ज़्यादा चिंतित है। उन्होंने हमने उन्हें सलाह दिया है कि जो भी न्यायिक तुम्हें कार्रवाई करना है करिए। उसने हमसे निवेदन किया है कि कम से कम हमको हमारा एक वकील यहाँ सुन ले, सुनने आने दिया जाए, इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। प्रदर्शन और कानून के व्यवस्था के माध्यम से लड़ाई लड़ने वाले हैं आप लोग 24 तारीख को, बड़ा 24 तारीख को प्रत्येक जिले में प्रदर्शन होगा और सभी हमारे समाज के लोग, विशेष करके सतनामी समाज के, यादव समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। हमारे विधायकगण पत्रकार वार्ता लेंगे और जो अन्याय हो रहा है एक विधायक के खिलाफ बताएंगे कि अगर विधायक के खिलाफ ऐसे अन्याय हो सकता है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी इस प्रदेश में, ये बताएंगे। देखिए अन्याय के खिलाफ में ये प्रदर्शन होगा और ये बताने का पूरी तरीके से प्रयास रहेगा कि एक विधायक के साथ में ऐसा हो सकता है तो आम आदमी की स्थिति प्रदेश में कैसा है, और इसको लेकर 24 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का देखने मिलने वाला है। कैमरा पर्सन राजन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज रायपुर। तो कांग्रेस ने तो तैयारी कर ली है बड़े प्रदर्शन करने के लिए। अब महत्वपूर्ण ये है कि आपको इस पूरी खबर से अपडेट भी करा देते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देवेंद्र यादव ये हैं और उस तरफ हैं दीपक वैद्य जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के। अपडेट ये है इस खबर में कि 17 अगस्त को बलौदाबाजार हिंसा मामले में एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी, आपको पता ही होगा। विस्तार न्यूज ने विस्तार से इस खबर को, तस्वीरों को दिखाया था, उस पर चर्चा भी हुई थी। बलौदाबाजार हिंसा के 67 दिनों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 67 दिनों के बाद, क्योंकि कई सारे तथ्यों को पुलिस खंगाल रही थी। एमएलए देवेंद्र यादव पर लगाई गई हैं 20 धाराएं जिसके तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब आगे क्या हुआ है? पहले 3 दिन और अब 7 दिन की न्यायिक हिरासत में देवेंद्र यादव को रखा गया है। 3 दिन खत्म हो गए तो आज पेश किया गया और 7 दिन की न्यायिक हिरासत पुलिस को मिल गई है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी को बताया है राजनीतिक षड्यंत्र। कांग्रेस कह रही है कि यह तो राजनीतिक षड्यंत्र है, यह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, यह कांग्रेस का कहना है। जिसको लेकर अब कांग्रेस 23 अगस्त को राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात करेगी। कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाएगा, राज्यपाल से मुलाकात करेगा और इस गिरफ्तारी का विरोध करेगा। इसके अलावा भी अलग अलग खबरें हैं। 24 अगस्त को सभी जिलों में कांग्रेस विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही है, तमाम जिलों में, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है, जिसको लेकर आज तैयारियां हुई, तमाम विधायकों को बुलाया गया और उसी की जानकारी चरणदास महंत दे भी रहे थे। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर है भाजपा से, जहां पर सदस्यता अभियान कार्यशाला खत्म हो गई है। आज रायपुर में सदस्यता कार्यशाला अभियान को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जानकारी भी दी है और भाजपा संगठन का पर्व सदस्यता अभियान आज मनाया गया है। छत्तीसगढ़ प्रांत के बड़े नेताओं के बीच चर्चा यह हुई है कि 22 से 24 तक, यानी कि 22, 23 और 24 को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में सदस्यता कार्यशाला हो जाएगी।
और 26, 27, 28 अगस्त को मंडल स्तर पर कार्यशाला का समापन किया जाएगा। तेज गति से बीजेपी का सदस्य लोगों को बनाया जाएगा। आज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, या यह कहा जाए कि यह हमारा पर्व है, हमारे संगठन का यह पर्व सदस्यता अभियान, और विगत 17 तारीख को और राष्ट्रीय पदाधिकारी को बैठक में और सदस्यता अभियान को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित कुमार शाह जी ने और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बी एल संतोष जी ने, और विस्तार से नीचे तक हमारी सदस्यता, क्योंकि प्रत्येक 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता किया जाना अनिवार्य है नए सिरे से, और हम सबकी सदस्यता होगी। तो बीजेपी सदस्यता अभियान को फिर से शुरू होने जा रही कर रही है और नए सिरे से लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ेगी। बढ़ेंगे आगे, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, जब खबर दिखाता है तो दमदार असर होता है, और इस चैनल का सबसे खास कार्यक्रम सीधे मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक खबर दिखाई गई थी, आर्थिक तंगी के चलते एक टॉपर का सपना टूट रहा था। इस खबर को प्रमुखता के साथ जब दिखाया गया तो उसके बाद असर यह हुआ कि अब यह सपना टूटेगा नहीं। अंकिता रजक को निशुल्क नीट की कोचिंग मिलेगी। बिलासपुर में आचार्य इंस्टीट्यूट ने जिम्मा उठा लिया है अंकिता का, स्टडी मटेरियल भी मुफ्त में दिया जाएगा। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ, अंकिता रजक को निशुल्क नीट की कोचिंग मिलने जा रही है। डॉक्टर बनने का ख्वाब जो था, जो लग रहा था कि टूट जाएगा, लेकिन विस्तार न्यूज चूंकि आपका अपना चैनल है, आपकी बात उठाता है, आपके मुद्दे उठाता है और आपसे जुड़े हुए हर पहलू को दिखाता है, यही बेटी की खबर दिखाई जहां पर अंकिता रजक डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, और अब आचार इंस्टीट्यूट कोचिंग का जिम्मा उठाने जा रहा है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर समाज को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। जिले के सीपत थाना क्षेत्र में पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ छेड़छाड़ के तहत जुर्म दर्ज किया है। सीपत के रहने वाले सुनील सूर्यवंशी और राधेश्याम सूर्यवंशी पिता पुत्र हैं। 18 अगस्त को एक युवती ने पुलिस को शिकायत की थी कि सुनील उसकी तरफ देखकर गंदे गंदे इशारा करता है। जब उसने इसका विरोध किया तब सुनील ने उसके साथ मारपीट की, उसके बाल पकड़कर उसके साथ मारपीट हुई। जब पीड़ित ने उसके पिता राधेश्याम से शिकायत की तो उसने भी बेटे जैसा बर्ताव करना शुरू किया था, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट अब दर्ज कर ली है। देखिए, बड़ी खबर के साथ साथ छोटी और महत्वपूर्ण खबर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर खबर महत्वपूर्ण है, हर खबर को जानना आपका अधिकार है। पेंड्रा में हुआ यह है कि दो मोटरसाइकिल की आमने सामने से टक्कर हो गई। इसमें बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई से बिछड़ गई, एक युवक की मौत हो गई। खरड़ी गांव का रहने वाला दिलेश्वर सिंह अपनी बहन को लेकर बाइक से वापस लौट रहा था कि तभी घगरा बांध के पास विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई, और टक्कर इतनी भीषण थी कि दिलेश्वर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बहन की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बढ़ेंगे आगे, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, विधानसभा लोकसभा में हार के कारणों समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात की है। टीएस सिंहदेव से बातचीत की है हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला ने, देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी भी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से अभी देवेंद्र यादव जी की भी गिरफ्तारी हो गई? कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काफ़ी मजबूत है, गहरी जड़ें हैं और गांव-गांव में कांग्रेस के साथी हैं। 20,000 लगभग गांव हैं छत्तीसगढ़ में, शायद ही कोई गांव होगा ऐसा जिसमें कांग्रेस से जुड़े हुए सक्रिय साथी नहीं होंगे। कांग्रेस की उपस्थिति गहरी है। देवेंद्र यादव जी के साथ जो हो रहा है, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो शासन के साथी हैं उनके क्रियाकलाप है। कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इस पर? कांग्रेस का स्टैंड न्याय का होगा। देवेंद्र यादव ने कोई गलती की है क्या? अगर गलती की है तो आप बताइए और कार्रवाई करिए, और आपका मकसद अगर ध्यान भटकाने का है तो आप नहीं भटका पाएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी कि प्रशासनिक अमले को भी टारगेट किया गया, बिल्डिंग को भी टारगेट किया, गाड़ी को। एसपी कार्यालय तो मैंने कभी नहीं सुना देश में कहीं भी इस प्रकार का हुआ हो। वो अपने जगह गलत है,
उसके लिए कुछ कहने या नहीं कहने की बात नहीं है, लेकिन मूल जो बात है उसको आप ढांकना चाह रहे हैं। बाबा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं छत्तीसगढ़ में, फिर क्या वजह रही कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी सरकार जो कि लग रहा था कि बनते बनते रह गई, और लोकसभा के भी जो चुनाव हुए तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में उस तरीके से नहीं आए जो आने चाहिए थे। वोट शेयर का अंतर अगर आप देखेंगे तो 2-3% का है। मैं जो कह रहा हूँ कि कांग्रेस की उपस्थिति गहरी है, जड़ें गहरी हैं, वो उस आधार पर कह रहा हूँ। और लगातार चुनावों में आप देखें तो कांग्रेस की उपस्थिति दिखती है। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य थे तो उस समय भी ये कहावत थी, ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ से सरकार बनती है कांग्रेस की सरकार, उतने विधायक वहाँ से जीत के आते हैं। तो 20% वोट कब किधर कितने जाते हैं उससे हार जीत होती है। विधानसभा में हम सफल नहीं हुए, ढाई ढाई साल वाला मामला भी कहीं आड़े आया, वो एक बात हो सकती है कि उसकी भी चर्चा थी, लेकिन उसके चलते सरकार ना बने ये संभव नहीं है। एक मुद्दा वो हो सकता है, लेकिन 20 मुद्दे होंगे जी। लेकिन सीएम तो चौतरफा घिरे रहे लगातार, और वो कह भी रहे थे कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, कई योजनाएं भी लाई, इसके बावजूद ऐसा क्या रहा? आप लोगों से राय मशवरा कभी इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों को भी तो जनता का फीडबैक मिलता ही है। बात तो होती ही थी, कैबिनेट है तो कैबिनेट में सभी कोई अपना इनपुट देते हैं। कुछ अन्य बातों में आप देखिए तो ठीक, चुनाव के पहले PSC का स्कैम एक उजागर कर दिया गया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, अपने रिश्तेदारों को ले लिया गया, तो यूथ एकदम से नाराज हो गया था। कोई ऐसा रिस्पॉन्स उस समय, क्योंकि सरकार को नहीं लगा कि हमने तो कुछ मैनेज किया नहीं है। अब वो चुनाव में तो मुद्दा बना, हम हारने के कारण में वो कारण भी बना, हार गए कि कांग्रेसी ने तो ऐसा कर दिया, राजन शुक्ला का लड़का सिलेक्ट कैसे हो गया। वो बात और है कि लड़की कहा गया कोर्ट में, और वो है लड़का जिसका सिलेक्शन हुआ। जोन मंडल ब्लॉक जिला स्तर के भी कार्यकर्ताओं का भी मन छोटा हुआ, उनको नहीं लगा कि हमारी सरकार है। उसमें हमारी विफलता रही कि हम उनका ध्यान रख रहे थे ऐसा हम लोग सब मानते थे, और सब मिलना जुलना या जो भी होता था ऐसा हम लोग को लगता था, लेकिन आज बड़ी मात्रा में लोगों का ये फीडबैक आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता निराश थे। उनको ये लगता था कि हमारी पूछ नहीं हो रही है, जो प्रशासन है वहाँ गांव में है तो पटवारी कौन है आप पहचान नहीं रहा। फिर घोषणा पत्र में हम लोगों ने खास करके सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ बातें कही थी, उनको रेगुलराइजेशन के लिए बात कही थी, डेली वेज वाले हैं उनके नियमितीकरण की बात थी, जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटीज थे उनको रेगुलराइज करने की बातें थी, विद्या हमारे मितान थे, और बहुत बहुत वर्ग के शासकीय कर्मचारी जो अनियमित सेवा में थे तो वो हम नहीं कर पाए। तो एक वर्ग जैसे हम एक बल्क पूछ देखना चाह रहे हैं, बल्क अगर देखें तो एक बल्क ये था, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 और उनके परिवार जोड़ लेंगे तो बड़ी संख्या हो जाती है। अगर नुकसान हुआ कुल मिला के, पार्टी अपने वादे जो थे वो पूरे नहीं कर पाई, तो कुछ नहीं किया तो वोट कुछ मिले, कुछ सीटें हम जीते लेकिन बहुमत नहीं आया, सरकार नहीं बनी, तो जो हम नहीं कर पाए वो लगता है कि भारी पड़ा। तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो नगरीय निकाय के भी चुनाव आने हैं, विधानसभा और लोकसभा हो गए और आगे भी चुनाव होने हैं, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप लोगों का तो एक होना बहुत जरूरी होना ही चाहिए। ये भी चर्चाएं मीडिया के माध्यम से सामने आती हैं कभी कभी, इसमें भी परसेप्शन ऐसा होता है कि सब ठीक नहीं है, आपस में बन रही है नहीं बन रही है, क्या हो रहा है। वो ढाई ढाई साल का आपने जिक्र किया, कहीं ऐसा तो नहीं क्या चल रहा है। तो परसेप्शन अगर आपका आपके अनुकूल नहीं है तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। तो कई फैक्टरों में एक फैक्टर वो भी, तो निश्चित रूप से हमको देखना पड़ेगा कि ऊपर से भी जो सीनियर्स हैं वो बिल्कुल एक साथ काम करते हुए दिखने भी चाहिए, करना भी चाहिए, एक करिए और एक दिखिए करते हुए। हम हो सकता है कर रहे थे लेकिन दिख नहीं रहा था, लग रहा था कि कुछ खटपट है, और नीचे से जो हमारे वर्कर्स को मजबूती देना है, तो दोनों चीज़ एक साथ और करनी पड़ेगी। इसमें कहीं अगर कमी है तो दूर करना पड़ेगा। लोकल बॉडी इलेक्शंस टफ माने जाते हैं, पार्टी इन पावर को एडवांटेज होता है सब माना जाता है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कांग्रेस की जड़ें गहरी हैं और इनमें भी परिणाम संतोषजनक आने चाहिए। आप अभी वर्तमान में अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं या किस जिम्मेदारी में देखते हैं?
संगठन का अभी हिस्सा हूँ, जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, पार्टी का सदस्य हूँ और पार्टी ने मुझे पीसीसी मेंबर बनाया हुआ है, एआईसीसी मेंबर बनाया हुआ है, पार्टी ने अब तो घोषणा पत्र का काम खत्म हो गया है वरना घोषणा पत्र समिति का संयोजक मनोनीत किया था, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसका सदस्य के रूप में जवाबदारी दी है। इसके अतिरिक्त अपना जो डायरेक्ट कार्य क्षेत्र है, अपनी विधानसभा, अपना लोकसभा क्षेत्र, अपना संभाग, इसमें मैं सीधे तौर पे काम करूँगा, इसमें काम करना चाहूँगा वाली बात नहीं है, इसमें करूँगा, इसमें तो जो भी परिस्थिति आए मैं इसमें काम करूँगा। 5 साल के लिए मैंने मदद मांगी थी, हाथ जोड़ के मदद मांगी थी कि मेरे को मौका दीजिए, बहुत लोगों ने साथ भी दिया, कुछ अंतर से नहीं जीत पाए लेकिन साथ तो दिया और अपन ने साथ मांगा, तो जवाबदारी बनती है कि आप जिस समय के लिए आपने साथ मांगा वो समय के लिए आप बंधे हुए हैं। तो अगले 4 साल 4.5 साल निश्चित रूप से मैं क्षेत्र को, विधानसभा को, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र को, संभाग को ज़्यादा समय दूंगा, साथ में छत्तीसगढ़ में जहाँ भी उपस्थिति हो सकती है लोगों को उत्साहित करने के लिए कि जुड़े रहिए, काम करते रहिए, पार्टी के माध्यम से हम लोग को और जिम्मेदारियाँ संभालने का फिर अवसर मांगना है मतदाताओं से, तो ये काम करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ टीएक्स सिंहदेव जी। देखिए बड़ी मुखरता से अपनी बात कही, कहीं ना कहीं पार्टी की उन कमियों को भी बताया, कहाँ पे गलती हुई, किन गलतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा वहाँ पर रिपीट नहीं हो पाई। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और साथ में सरगुजा को, संभाग को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन भी करेंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, बस्तानगर। तो टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और उन सवालों के भी जवाब दिए जो आपके भी मन में चलते हैं कि आखिर कांग्रेस हारी क्यों।